तो जैसा कि देख सकते हैं वहाँ पे नदी में आपको ये जो मछली दिखाई दे रही है वो ना मालूम किस कारण जो है कि मर चुकी हैं और ऊपर पानी में हैं वो। और आपको दिखा सकता हूँ, देखिए ये आपको मेरे मेरे घर के बगल में ही ये जो देख सकते हैं मेरा घर, और मेरे घर के बगल में ये जो है कि छोटी सरयू बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ नदी, मैं आपको दिखाता हूँ देखिए कितनी मछलियाँ मरी पड़ी हुई हैं आपको, और नज़दीक करके दिखाता हूँ। और बहुत ज़्यादा संख्या में जो है कि मछलियाँ मरी हुई हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस समय जो है कि वर्षा ऋतु जो है कि चल रही है और वर्षा हो रही है, देखिए आपको नदी में टिप टिप इस तरीके से, और देखिए कितनी मछलियाँ देखिए मरी पड़ी हुई हैं। तो इसका मैं शोध करूँगा कि क्यों मरी, किस कारण मरी, क्या गंदा पानी हो जाने के कारण, या कोई ऐसा केमिकल की वजह से मर गई हैं क्या, तो उसको जो है कि मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा। पुल से नीचे नदी में जा रहा हूँ, देखिए ये रहा, देखिए मैं नदी में हल चुका हूँ यहाँ पे, और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे देखिए कितनी सारी मछलियाँ मर चुकी हैं। देखिए दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे किस कारण इनकी मृत्यु हुई है, इसका हम शोध करेंगे। और आपको दिखा देता हूँ, इधर मेरे घर के बगल में ही आपको चारों तरफ दिखाई दे रही होंगी, देखिए इधर, देखिए नदी में मैं हूँ, और इधर देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में मछलियाँ मर चुकी हैं। चलिए अब हम इसका शोध करते हैं, और यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ओके, अब इसका हम शोध करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बनी रही, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए वहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे चार जो है कि जीवित मछलियाँ हमने रखे हैं, और ये नदी उसी नदी में का है, और किसी तरह से बची हैं बहुत ज़्यादा, कुछ कुछ मछलियाँ मर चुकी हैं। तो उसका जो है कि मैं यहाँ पे संशोधन करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये नदी का जो है कि कचरा वाला पानी है, कचरा वाला है थोड़ा, इसमें यह मिट्टी, इसमें नमक है, ये मिट्टी का तेल है, और ये सादा पानी है, और यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोल थोड़ा वगैरह। तो क्या कारण है, क्या रिएक्शन हुआ था कि मछलियाँ जो है कि मर चुकी थी, मर गई थी। इसमें सारे जो है गिलास आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सादे पानी रख दिए हैं, तो एक एक गिलास में एक एक मछली मैं जीवित रखूँगा और थोड़ा थोड़ा मिक्स करके डालूँगा। क्या इसका प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ने के कारण जो है कि मछलियाँ मरी थी। तो चलिए हम इस साइंस एक्सपेरिमेंट को जारी रखते हैं। तो मैं जीवित मछली इसमें एक डालता हूँ, तो इसमें से एक मछली मैं पकड़ रहा हूँ, देखिए मैंने इसमें पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, अब इसमें एक मैं डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैंने ग्लास में मछली रख दिया है, अब जो है कि मैं सादा पानी तो मैंने डाल ही दिया है, तो सादा पानी में देख सकते हैं कि मछली जीवित है। तो अब जो है कि मैं थोड़ा सा इस पेट्रोल का इस्तेमाल करूंगा, इसमें थोड़ा सा डाल के, क्या क्या प्रभाव पड़ता है इस जीवित मछली पर, और ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, बहुत तो जो है कि अच्छा नहीं लग रहा है किसी जीव पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन थोड़ा सा उतनी सारी मछलियाँ मर चुकी थी, तो मैं थोड़ा सा प्रयोग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये है पेट्रोल, थोड़ा सा पेट्रोल मैं लूँगा, बस थोड़ा सा मैंने, देखिए मैंने डाल दिए हैं, इसमें मैंने पेट्रोल डाल दिया। तो देख सकते हैं आपकी पेट्रोल मैंने कुछ और अधिक डाले थे, तो इसको प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब जो है कि मिट्टी का तेल का देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है इस जीवित मछली पर, और इसको मैं स्वच्छ पानी में डाल देता हूँ। तो मैंने इसमें जो है कि तीन मछलियाँ, एक मछली को जो है कि स्वच्छ पानी मैंने डाल दिया, और उसका जीवन मैंने उसको दे दिया। ओके, तो अब इसको मैं पकड़ लेता हूँ, देखिए यहाँ पे दो मछलियाँ कूद चुकी हैं। हाँ हेलो, ओह माय गॉड, तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल वाला जो है कि मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब इसको जो है कि मिट्टी का तेल डालकर देखते हैं कि ये जीवित मछली पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों मर गई सारी मछलियाँ। तो अब मैं इसको जो है कि थोड़ा समय डालकर दिखाता हूँ आपको, देखिए मैंने आपके सामने डाला मछली, अब देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है इस जीवित मछली पे। तो देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से ये शोषण क्रिया कर रही है, और लगभग तो ठीक है, मिट्टी का तेल मैंने डाला था स्वच्छ पानी में, और अभी तक तो ठीक है। और कुछ जो है कि पानी में जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि ऑक्सीजन रहती है, तो इससे भी ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसको भी मैं स्वच्छ पानी में डाल देता हूँ। तो ये जो नमक और ये कचरा वाला पानी नदी वाला, ये दो बचे हैं, तो अब पहले हम जो है कि नमक इसमें डालकर घोल लेंगे। अब इसको जो है कि मैं घोल लेता हूँ,
तो आप देख सकते हैं ये मछली है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ। देखिए नमक के पानी में मैंने इस मछली को डाल दिया हूँ और देखिए कितनी तेज इसको तड़पात ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। देखिए और ये बहुत तेज़ी से जो है कि ये जो है कि तो ये कचरा वाला जो नदी वाला जो कचरा है ये बचा है। और आप देख सकते थे कि जो नमक पानी मैंने डाला था और मछली जो कि तड़पने लग गई थी वो थोड़ा उलट सी गई थी, आप देख सकते थे वीडियो में। तो मैं अब इसका प्रयोग कर रहा हूँ और सिर्फ एक जीवित मछली बची है और वो तीनों मछलियाँ जो है कि जीवित है। अब मैं आपको दिखाऊँगा तीनों के तीनों जीवित मैंने छोड़ दिया उसको। एक जीवित मछली है, मैंने मछली डाल दिया इसमें। अब इसमें मैं थोड़ा इसमें जो कचरा पानी डालूँगा नदी वाला। तो आप देख सकते हैं इधर देखिए किस तरह से मछली जो है कि घबरा रही है। इतना गंदा पानी नहीं होना चाहिए जो कि ऑक्सीजन इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। और आपको बता देता हूं कि जिसमें खेतों में जो है खाद पड़ रही है, जो रासायनिक खादें पड़ रही है, उसी का प्रभाव से जो है कि हमारे जो जीव जंतु नष्ट होने की। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मछली, देखिए इसको घबराहट महसूस है, इतना गंदा पानी है। तो हो सकता होगा कि ज़्यादा गंदा पानी होने के साथ इसमें वर्षा हो रही है, चल रही है और खेतों से जो है कि पानी आ रहा है, इस कारण से जो है कि मछलियाँ मरी थी आप देख सकते थे उस नदी में। तो ये मैं थोड़ा सा प्रयोग किया और मैंने चार जीवित मछलियों को जिंदा उसी नदी में तालाब में छोड़ दिया नदी में।